माइग्रेन आज के समय में एक आम समस्या बन गई है। आप में से ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे। इस बीमारी से सिर में हल्का सा दर्द शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते सिर के एक हिस्से में पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइग्रेन का दर्द आपकी गर्दन में भी पहुंच सकता है? चलिए इस वीडियो में हम आपको माइग्रेन की समस्या से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे लोगों को मिचली या फिर उल्टी भी होने लग जाती है और कुछ लोगों को माइग्रेन का दर्द होने पर आवाज और तेज रोशनी से भी दिक्कत होने लगती है। एक सर्वे में पाया गया कि माइग्रेन की परेशानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने पाया कि 69% लोगों को माइग्रेन में सिर के साथ साथ गर्दन में भी दर्द महसूस होता है। ऐसा माना जा रहा है कि गर्दन का दर्द भी माइग्रेन का एक लक्षण हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि माइग्रेन से ट्राइजेमिनो सर्विकल कॉम्प्लेक्स पर काफी असर पड़ता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जिसकी नसें चेहरे और ऊपरी गर्दन से जुड़ी होती हैं। इस पर कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं जैसे खराब तरीके से बैठना या फिर जोड़ों में दर्द की वजह से भी ऊपरी गर्दन की नसों में खिंचाव आने के कारण आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। हालांकि अब तक माइग्रेन और गर्दन दर्द के बीच के संबंध को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन गर्दन दर्द के इलाज से माइग्रेन को भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में माइग्रेन के मरीजों को उन खानपान से बचना चाहिए जिससे कि दर्द बढ़ता है, जैसे कि खट्टे फल, शराब, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना होगा, नहीं तो आपकी ये समस्या जरूर बढ़ सकती है। माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट में उन चीजों को भी शामिल करना होगा जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए आप केला, सूखी खुबानी, बादाम, काजू, ब्राउन राइस, फलियां, सौंठ की चाय जैसी चीजों को खा सकते हैं। अगर आप माइग्रेन के दर्द को भी बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और अपनी दवा हमेशा साथ रखें ताकि जैसे ही दर्द बढ़े आप उसे मेडिसिन से कंट्रोल कर पाएं। इसी के साथ आप माइग्रेन की समस्या को कई घरेलू नुस्खों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि दर्द महसूस होने पर गर्दन पर लेवेंडर ऑयल लगाकर मसाज करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय करीब 15 मिनट तक लेवेंडर ऑयल को सूंघने से आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ आप एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, योग और स्ट्रेचिंग से भी माइग्रेन और गर्दन दर्द को कम कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।